चुनाव में बीजेपी की राह मुश्किल हो सकती है, क्योंकि पहले शिवराज सिंह चौहान का वायरल वीडियो, फिर सिंधिया का ऑडियो और अब प्रदेश के पाल बघेल समाज और ग्वालियर ग्रामीण कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रंगनाथ तिवारी ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसके पीछे बीते दिन वायरल हुआ पूर्व कैबिनेट मंत्री इमरती देवी का ऑडियो है, जिसमें वो अपनी डबरा के ग्राम पठा के रहने वाले धर्मेंद्र बघेल की आंखें फोड़ देने की धमकी देती हुई सुनाई दे रही हैं। इस बात से नाराज होकर अखिल भारतीय युवा पाल बघेल महासभा मध्य प्रदेश द्वारा ग्वालियर पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया गया और आंख फोड़ देने की धमकी के चलते पूर्व कैबिनेट मंत्री इमरती देवी के खिलाफ FIR दर्ज किए जाने की मांग की है। साथ ही धर्मेंद्र बघेल की जान को इमरती देवी से खतरा बताया गया है। वहीं अब ग्वालियर ग्रामीण कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रंगनाथ तिवारी ने भी पूर्व मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तिवारी ने कहा, ये वही धर्मेंद्र बघेल हैं जिसने पिछले 2018 के चुनाव में इमरती देवी के लिए जी जान से मेहनत की थी। SC ऑफिस में कंप्लेंट की है और मेरे को मानने की और साजिश है और कॉल्स आ रहे हैं, बहुत मेरे को इमरती देवी के कॉल्स आ रहे हैं और भी उनके जो भी कुछ हैं बहुत सारे कॉल आए हैं, मैं बहुत भयभीत हो गया हूँ। ज्ञापन दिया गया है और ज्ञापन में जो लिखित तथ्य हैं उस पर अभी हम एक बार ज्ञापन देख लें, पूरा विषय क्या है उसके पश्चात ही आगे कुछ बता पाएंगे। उन्होंने ऐसा बताया है ज्ञापन में जो विषय लिखे हैं उसके अनुसार उन्हें सुरक्षा दी जाए, तो मैं पहले एक बार ज्ञापन देख लूँ, अभी आप लोगों ने समय नहीं दिया मुझे। ठीक है, थैंक यू।